वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल स्मार्ट एम। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो फाइनली जो भी स्टूडेंट BCEC 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो भी है वो हम लेकर आ गए हैं कि यहाँ किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं तो वो भी है। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि BCEC से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आता है तो वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम ही देंगे। ऐसा नहीं है हम ही देंगे, यूट्यूब पर बहुत सारे हैं वो भी दे सकते हैं। तो लेकिन मेरा भी है एक यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि BCEC 2023 का फॉर्म जो है अभी कोई रिलीज नहीं किया गया है। अभी रिलीज होने में अभी 12th का जस्ट एग्ज़ाम हुआ है, 12th का जस्ट एग्ज़ाम हुआ है। जैसे ही 12th एग्ज़ाम ख़त्म होती है, 12th एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, जब 12th रिजल्ट आ जाएगी तो जस्ट 15 या 20 दिन बाद इसको भी रिलीज कर दिया जाएगा फॉर्म को, और फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम बताएंगे आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। तो अभी फ़िलहाल हम इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको बैक करते हैं। अब यहाँ पे भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहे हैं BCEC 2023, ठीक, BSc नर्सिंग जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए। फिजिक्स का पहले देखिए आप यहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में 100 क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन और बायो में 100 क्वेश्चन, यानी कि 400 नंबर यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं, 400 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 400 नंबर का आपका फिजिक्स होगा, 400 नंबर का केमिस्ट्री होगा, 400 नंबर का आपका बायो होगा, ठीक। यानी कि आप टोटल यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर टोटल यहाँ पर आपका 1200 नंबर का एग्ज़ाम हो जाएगा। आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे और उसमें ज्वाइन हो जाएगा, और मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि भैया आप क्या कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि हम 2022 से मेरा सेशन है और हम ANMMCH गया में BSc नर्सिंग के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं। तो चलिए इस पर हम ज़्यादा समय ना देंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएंगी, लेकिन एक सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा क्योंकि थोड़ा हमें भी मोटिवेट मिलेगा कि हाँ हम भी वीडियो बना सके। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि आगे क्या है। तो फर्स्ट है फिजिक्स का चैप्टर है, तो फिजिक्स का कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो उसको देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन आता है, ये फिजिक्स में फिजिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको हम यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। यानी कि ये कंबाइन है, यानी कि ये टोटली 100 नंबर का है, ठीक है ना, 100 MCQ आएगा जिसमें कि यानी कि 400 नंबर का ये टोटल है, ठीक। यानी कि इसी चैप्टर से अधिकांश क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में है लॉ ऑफ मोशन, यानी कि 11, 12 दोनों कंबाइन है, ये दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि 11, 12 से सोचिएगा कि 12 से हो जाए, तो 12 से ऐसा नहीं है कि 12 से ही क्वेश्चन आता है, 11, 12 दोनों से आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड में है वर्क एनर्जी एंड पावर, थर्ड में है ग्रेविटेशन, ज़्यादा कचरा हो जा रहा है यहाँ पे, फोर्थ में है थर्मोडायनेमिक्स, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है वेव्स के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, यानी कि सेमीकंडक्टर्स, नाइन्थ में दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर टेंथ में दिया है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो 11th में है एटम्स एंड न्यूक्लिक्स। ऐसा नहीं है कि और जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक। हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि ये चैप्टर जो है बहुत भीवी यही है, क्योंकि इस चैप्टर से अधिकांश क्वेश्चन BCEC में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आखिर हम बात करते हैं अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो भी है, अगर अदर जो भी चैप्टर बाकी है उसको भी ऐसा देख लीजिएगा, क्योंकि उधर से भी एक दो प्रश्न आ जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं केमिस्ट्री के VVI क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो VVI जो भी चैप्टर है उसको देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट 11, 12, ठीक, ये है केमिस्ट्री का, एक सेकंड, ये है केमिस्ट्री का जिसमें केमिकल बॉन्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग है एक में, दो नंबर में इक्विलिब्रियम है, सॉरी इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, एक में है केमिकल बॉन्डिंग, दो में इक्विलिब्रियम, तीन में रेडॉक्स रिएक्शन, फोर्थ में है हाइड्रोकार्बन, फिफ्थ में है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक,
सिक्स में है सॉलिड स्टेट, फिफ्थ में, सेवन में है सोल्यूशन, और आठ में है यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स, एंड नाइन में है एल्कोहल और फिनोल इथर, टेंथ में है एल्डिहाइड, और इलेवेंथ में है बायो मोलिक्यूल, और ट्वेल्थ में है कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड। तो ये चैप्टर जो है ना बहुत भीवी है, क्योंकि इस चैप्टर से अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है ना वो थोड़ा हार्ड लेवल का होता है, ठीक है। फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का होता है, और ये बता दें कि केमिस्ट्री का ठीक रहता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक रहता है, और बायोलॉजी का अगर आप 11, 12 अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो भी ठीक होता है। तो चलिए हम बायोलॉजी के भी कुछ जो चैप्टर है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये है मेरा बायो का चैप्टर जो भी है 11, 12 उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11, 12 का कंबाइन है, जिसमें प्लांट किंगडम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप MVVI बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। फिर मॉर्फोलॉजी, सेल, बायो मोलिक्यूल, यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन अधिकांश देखने को मिलते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11th में है बायोटेक्नोलॉजी, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोसिस्टम, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल इश्यू। तो यही सा छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर आप 2023 के लिए BCSC का फॉर्म आप फिल करना चाहते हैं BSc नर्सिंग के लिए, ऐसा नहीं है BSc नर्सिंग के लिए, अदर भी है, OT हो गया, लैब हो गया, फार्मेसी हो गया, तो ये चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। तो अभी आपके 3 मंथ और बचे हैं, तो 3 मंथ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो प्लीज़ चैनल को जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब, और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।